एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नया समन भेजा है। ये तीसरा समन है, 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलते अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, ये तीसरा समन है 3 जनवरी के लिए जो अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है, क्या माना जाए, इस कानूनी तौर पर इसे कैसे देखें? देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके शराब घोटाले में पूछताछ होनी है। उनको पहला समन जो है 2 नवंबर को जारी किया गया था, तब वो नहीं आए थे। इसके बाद उनको दूसरा समन 21 दिसंबर के लिए उनको बुलाया गया था, तब भी वो नहीं आए। उनका कहना ये था कि ये समन जो है वो गैर कानूनी है और ये समन जो है राजनीति से प्रेरित है और जो ईडी है वो इन समन को वापस ले। तो ये उन्होंने अपना जो अभी 21 तारीख को समन था उसमें भी उन्होंने जो अपना रिप्लाई फाइल किया था तब भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन अब जो ईडी है उसने तीसरा समन जारी कर दिया है और उनको 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अगर वो 3 जनवरी को नहीं आएंगे तो ईडी चाहे तो 3 बार अगर कोई समन स्किप करता है, यानी 3 बार समन जारी होने के बाद पेश नहीं होता है, तो ईडी चाहे तो कोर्ट में जा सकती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर सकती है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि ईडी 3 तारीख को अगर वो नहीं आते हैं तो उसके बाद ईडी क्या स्टेप लेती है, क्योंकि झारखंड के जो सीएम हैं उनको ईडी 6 बार समन जारी कर चुकी है लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। तो इस केस में जो शराब पॉलिसी वाला मामला है, इसमें हालांकि अरविंद केजरीवाल अब तक मुख्यमंत्री अब तक आरोपी नहीं है, लेकिन उनसे पूछताछ होनी है क्योंकि बहुत सारे गवाह और आरोपी हैं, उनकी पूछताछ में उनका नाम सामने आया है। और ये भी बात सामने आई है कि जो शराब पॉलिसी को लेकर जो मीटिंग्स हुई हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुई हैं। तो अब ईडी क्या कुछ करेगी ये देखना होगा और ये भी देखना होगा कि 3 जनवरी को क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी पर आते हैं या नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मुकेश।